बढ़िया है। तो फिर आप तो कल्पेश जी से चर्चा कर ही रहे हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं वही सोचा कि आपको यदि सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है तो शायद नहीं, थोड़ा कल्पेश टाइम भी लग सकता है। नहीं, कल्पेश भी जी हेल्प कर रहे हैं, और उनका जो भी हाँ अभी जो घर पे कर रहे हैं वो भी हमने विजिट किया था, जो नया अच्छा, आप सब देख के आए ना कर उनका घर? बहुत रहे बढ़िया हैं। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, वो तो बहुत अच्छा बन रहा है पूरा, बहुत अच्छा है। और पूरा 2 मंजिला 3 मंजिला अच्छा आ रहा है पूरा। आप कब गए थे उधर? काफी टाइम हुआ, मेरा 1-1.5 महीना हो गया जब वो वॉल का खाली फ्रेमवर्क जैसा बनाया था, बम्बू का और स्केलेटन जैसा फ्रेम बनाया था, तब अच्छा। गया था मैं। जब स्टार्टिंग ही था, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब बुलाया था मेरे को। अच्छा, तो फिर तो आपको अभी फिर से जाके आना चाहिए, अभी हाँ, पर तो अभी काफी ये बात काम हो हुआ गया था ना। 1-2 बार, अभी बात हुआ था तो कहीं बाहर से अभी ऐसा बात हुआ था, वो कहीं टूर पे थे अच्छा मैं 1-2 बार को, तो अभी जब बड़ोड़ा हम वो भी हो और मैं मिल रहे तो मिल सकते। हाँ, अच्छा तो बहुत ही बढ़िया है। तो हमने ये मीटिंग रखना चालू किया है इसलिए ताकि किसका क्या चल रहा है, कहीं पे किसी कोई कोई मुश्किल आ रही है, और हम लोग कहाँ कहाँ पे क्या चीज सीखते हैं काम करके, यस यस, वेरी गुड। उसको हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि जो भी होता है उसको सभी लोग जाने समझें, तो उससे सबका फायदा होगा। जरूर जरूर, और फिर आगे जिधर भी काम करेंगे उसमें काम में ला सकते हैं सब लोग, तो जानकारी बढ़ेगी। तो अभी आप वैसे तो ग्रुप में आप शायद देख रहे होंगे कि फोटोज वोटोज हम कुछ भेजते रहते हैं, हाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ फोटोज में नहीं, लेकिन वो जानकारी मिले तभी क्लियर होता है। तो जैसे हमने जब कुकमा में वर्कशॉप की थी तो आपने शायद उस समय फाउंडेशन के बारे में, नींव बनाने के बारे में समझा था, हाँ वो आप रबल का उसे, किया था वहां। हाँ वहां पे पत्थर की नींव आपने देखी होगी बनती हुई, और जहां पे भी पत्थर कम अवेलेबल होता है या फिर मिलने में कुछ भी मुश्किल होती है, तो वहां पे हम लोग जो लाल वाली ईंटें हैं, जो रेगुलर ईंट होती है, उससे भी कर सकते हैं। तो जैसे कई राज्यों में होता है जहाँ पत्थर कम मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है, जैसे हमको पंजाब में कुछ क्षेत्रों में पत्थर नहीं मिलता है, फिर उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पे पत्थर काफी महंगा पड़ता है या मिलता ही नहीं है, तो फिर ऐसी जगहों पे वो वाली ईंट से भी फाउंडेशन का काम होता है। वही किया है मैंने अभी, जो मेरा जो रिसोर्ट का काम है वहां पे, हाँ ये भी जो फाउंडेशन अपने यानी कॉपिंग लेवल तक मैं वो ईंट से लेके आया हूँ। सब कॉटेज है, फिर रेस्टोरेंट है और एक गुंगा है, तो जो है अच्छा। अभी उसके ऊपर जो करना है तो वो उसके लिए हम अभी कर रहे, कैसे करे क्या करे, थोड़ा सोच विचार में है। अच्छा, और काम करने वाले तो आपके पास होंगे, सिर्फ उनको हाँ, इंस्ट्रक्शन की जरूरत रहती होगी कि क्या करना है कैसे। आई एम बेसिकली सिविल इंजीनियर, तो वो कोई इश्यू बहुत नहीं है, बढ़िया, तो फिर तो थोड़ा आप, हम भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, हमको काम नहीं। करने वालों की जहाँ जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है आप अरेंज करवा सकते हैं, आपके ऑलरेडी अच्छे संपर्क होंगे। तो उस जगह पे फिर पेड़ पौधे नदी तालाब इस तरह की भी कोई चीजें प्लान कर रहे हैं आप, जो ये रिसॉर्ट जो बना रहे हैं, क्योंकि घर बनने के नहीं बाद में वो करना पड़ेगा। नहीं वो बेसिकली क्या है, इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऐसा प्लेस जो अच्छा है, हाँ और प्लांटेशन करीब करीब मैंने 400-500 प्लांट्स लगा भी दिए हैं। अच्छा, मिक्स करके लगाए हैं, हाँ, सब मिक्स करके नेचुरली है, कोई हाई फाई हाँ एक्सोटिक बहुत वगैरह बढ़िया। ऐसा नहीं है, पर्टेनिंग टू द एग्जॉटिक टेरा। वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, एग्जॉटिक भारत के लिए
ना उसके लिए ठीक है पौधे के लिए ना हमारे लिए ठीक है, तो वो दोनों को ही नुकसान करेगा कोई भी जो नेचुरल है जो वो एरिया में इजीली डेवलप हो सके वैसे ही डाले हैं सब। बहुत बढ़िया। और फिर कुछ तालाब पानी के लिए कुछ ऐसा टैंक या कुछ सोच बनाया है, बनाने के सोची है? नहीं वैसा नहीं किया है अभी, कि वो क्या है उसका जो फाउंडेशन में सब जगह पे आफ्टर सम लेवल 3-4 feet सब रबल निकलता है, ठीक है। तो देयर इज अ वो तो यानी तालाब जैसा का आई एम नॉट थिंकिंग। मेरे पास एक वेल है पुराना वो जो लोग ने किया होगा जिससे मैंने लैंड लिया था, वो काफी गहरा है, तो उसी में मैं सभी इसका जो है सेप्टिक टैंक वगैरह का जो है वो यूज करूंगा ऐसा सोच रहा हूँ। और फिर वही मॉनसून में अंडरग्राउंड वाटर आता है और पास में ही स्मॉल स्ट्रीम जैसा फ्लो होता है बारिश के टाइम ही, तो जब वो ओवरफ्लो होगा तो वही सब मिला के उसमें वापिस चला जाएगा, तो मेरा मॉनसून में एम्प्टी हो जाएगा और मॉनसून तक उसमें ही डंप करूंगा ऐसा सब प्लान चल रहा है। मतलब कुएं में तो नेचुरल पानी होगा ना या अभी पानी नहीं? नहीं अभी नहीं पानी चला जाता है, अभी आज मैं अभी 15 दिन पहले गया था तो पानी नहीं था वो स्टोन तो से पूरा। तो अच्छा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि हम कुछ तालाब जैसी प्लानिंग करें तो जब भी बारिश आएगी तो वो आपके कुएं को और आजू बाजू भी बाकी पूरी जमीन को भी रिचार्ज करेगी, तो अपन बाहर का पानी सिर्फ उपयोग कर रहे हैं उससे भी ज्यादा वो भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, मतलब इससे और डबल हो जाएगा। तो वो सिर्फ थोड़ा बहुत चैनल्स बनाने पड़ते हैं, उसमें असल में बहुत ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन वो प्रकृति के लिए बहुत फायदा करता है। वो तो आपने बताया पर मेरे पास उसके लिए कुछ नॉलेज नहीं है तो मैं इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ। बाकी मेरे पास कोई सोर्स या तो कुछ आइडिया कोई या तो कोई लिटरेचर मिले तो आई कैन रीड एंड थिंक अबाउट इट, ऐसा हो सकता। अच्छा नहीं, लिटरेचर तो हम खुद ही हैं, तो अभी थोड़े दिन में गुजरात आना ही है तो मैं वहां पे आ जाऊंगा आपके कल्पेश जी और हम लोग। कितने बार बताया हेमंत सर को, बताया कल्पेश भाई को, बताया एक बार चलो मेरे साथ, और हेमंत सर को तो बताया था आओ मेरे घर एक दो दिन रुको मैं तुमको ले जाऊंगा, बहुत अच्छा प्यार आना है उनसे तो, पर अभी समहाउ ही कैन नॉट। उनको फिर वो एक्सीडेंट हो गया था पल्चर, हाँ, उनके पैर में थोड़ा हो गया था तो अभी 4-5 महीने से तो थोड़ी रिकवरी हो रही थी। और श्वेता भाई फ्री नहीं रहते, वो ज्यादा बिजी रहते तो फिर मैंने फिर इतना फोर्स नहीं किया, बताया था उन्होंने कि जरूर बड़ोड़ा आएंगे तो जरूर मिलेंगे, मैं बोला ठीक है मोस्ट वेलकम आप जब भी आओ। तो मिलेंगे वाला थोड़ा लंबा कार्यक्रम हो जाता है लेकिन ऐसा सोच के अभी दिमाग में है, तो अभी मैं वडोदरा जैसे ही आऊंगा मेरे ख्याल से अभी 15-20 दिन में ही आना होगा मुझे, तो मैं आता हूँ। तो अपन पानी के लिए कुछ छोटा मोटा जो भी प्लानिंग है मैं आपको समझा दूंगा, बाकी तो आप मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद ही करवा लेंगे, मतलब वहां पे हम लोगों को पूरे टाइम रहना पड़ेगा, थोड़ा गाइड करना फिर क्या करना है वो अपने मैं कर सकता हूँ वो तो फिर बाद। हाँ वैसे ये कॉल भी असल में उसी के लिए है, तो अपन थोड़ा बहुत चर्चा इसमें कर सकते हैं। तो आपके जो जो आप बता रहे हैं ना आजू बाजू पास में पहाड़ियां हैं, तो वो आपके प्लॉट से कितना दूरी पे है, मतलब वो आपके प्लॉट के अंदर आता है या वो बाहर है दूर है? नहीं पहाड़ जो है मेरे प्लॉट से दूर है, मेरा प्लॉट का टेरेन भी एकदम अंड्यूलेटिंग है, ऐसा नहीं है कि भाई फ्लैट लैंड है, कोई पार्ट ऊंचा है कोई नीचा है ऐसा भी है, और मैंने वो ही रखा है, मेरे को लेवल नहीं करना है उसको, जो ऐसा है नेचर के साथ ही रहना है, वो बिल्कुल स्ट्रेट प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। पर मेरा जो एक साइड का फेंसिंग है वहीं से एक पर्वत तो स्मॉल चालू हो जाता है। अच्छा तो वो नीचे वाला साइड है या वो ऊपर वाला साइड है, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि लैंड थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तो पर्वत कौन से साइड में है? देखो ऐसा है कि जो फॉर एग्जांपल रोड है तो रोड इज द एकदम कम हाइट वाला पोर्शन है, फिर जैसे 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 मेरा अंदर जाएगा लैंड तो हाइट पकड़ेगा और फिर उसके बाद माउंटेन चालू हो जाए,
हाँ माउंटेन चालू हो जाएगा ऐसा। ठीक है समझ गया। तो अभी ऐसा समझो यदि कि मेरा जो साइट है वो इट इज इन ए वैली, ऐसा समझ। बढ़िया, तो अभी आपने किसी भी बारिश के मौसम में वहां पे ऑब्जर्व किया है कि पानी किधर से किधर फ्लो करता है, आपके लैंड के अंदर ही अंदर कहाँ हाँ से हाँ कहाँ मालूम है, पानी मालूम जाता है? मालूम मालूम है, मालूम है। फ्रॉम द अपस्ट्रीम जो माउंटेन का जो एंड आता है ना, वहां से हाँ, रोड के तरफ आएगा ऐसा। रोड की तरफ जाता है, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसी दिशा में आपको समझ लीजिए 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी ऐसी पूरा एक नाली जैसा खोदना है, और वो सीधा होना जरूरी नहीं है, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सांप के जैसा बना सकते हैं। आपकी जो मेन घर घर वाला जो साइड है उसको साइड में छोड़ के आजू बाजू से बना सकते हैं, ठीक है? ये सबसे पहला काम। और जिधर वो रोड के पास में आपका जमीन खत्म हो रहा है उस जगह पे वो दिशा कौन सी है, दिशा ध्यान में है क्या उधर? नॉर्थ ईस्ट होगा वो। हाँ, तब तो बेस्ट है। तो उस कोने में मतलब रोड के पास वाले जगह पे वहां पे आप गड्ढा खोद लीजिए, और वो गड्ढा रहेगा, बहुत ज्यादा गहरा करने की जरूरत नहीं, ताकि वो सेफ भी रहे, किसी को कोई उसमें जाएगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको भी बहुत गहरा मत रखिए, 1 मीटर गहरा रखिए, और चौड़ाई में आप ज्यादा कर सकते हैं, और यदि गहरा करना संभव है तो फिर 3 मीटर तक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। तो वो एक सिंपल छोटा सा तालाब भी बन जाएगा जो आपके भी काम आएगा, प्लस वो आपके लैंड के आजू बाजू जो भी वाटर बॉडीज हैं, कुआं है या और भी कोई चीज है, इनमें भी फायदा करेगा। तो सिर्फ खोदना है आपको, असल में कुछ कंस्ट्रक्शन जैसा नया एडिशनल कुछ नहीं करना है। और इस ये जो जगह आप बनाएंगे ना, इसके आजू बाजू जितने पेड़ पौधे लगाएंगे वो अपने आप डबल ट्रिपल 4 गुना स्पीड से ज्यादा बढ़ेंगे अपने आप। वो इसका अपने आप जादू है उसका, कि उसमें जैसे ही जैसे पानी आएगा आजू बाजू, वो कम से कम 5 से 10 मीटर तक धीरे धीरे पेड़ पौधों को और सभी चीजों को वो पोषण प्रदान करता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि आपको इतने में ही समझ में आ जाएगा। वो सही है आपने जो बताया, पर यहाँ क्या है, ये जो लैंड है ना, इट इज टोटली लिटिल रॉकी और ऐसा है, नीचे सब पत्थर वगैरह निकलता है, तो वाटर स्टोर नहीं होगा। वो जो वाटर आप बोल रहे हैं वो तुरंत खलास हो जाएगा। यदि स्टोर करने का मन है तो उसकी टेक्निक अलग है, आप गड्ढा कीजिए, फिर आगे की प्लानिंग मैं बताता हूँ बाद में, एक बार आप तो इतना कर ऐसा लिए। करो, आप जब आओ मेरे पास, वो जो बता रहे हैं वैसा गड्ढा भी है वही डिरेक्शन में और वही प्लेस पे, बहुत और बढ़िया, तो आप सभी तो मॉनसून देर है, बिफोर मॉनसून आप बोल रहे हैं 15-20 दिन में आप आओगे, तो अपने जरूर एक बार मिलेंगे और उसका हाँ कुछ प्रबंध कर सकते तो करेंगे, है ना। बिल्कुल, स्टोरेज के लिए तो बहुत आराम से हो जाएगा, आपको यदि स्टोर करने का मन है तो वो भी अपन कर लेंगे तालाब के, क्योंकि दोनों पर्पज होते हैं, स्टोरेज एक पर्पज है और आजू बाजू के लैंड को रिचार्ज होना सेकेंड पर्पज है, तो वो दोनों हो जाएगा, अपन प्लानिंग करते हैं। मैं जब आऊंगा तब एक बार देख लेंगे, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक। बहुत बढ़िया, तो और भी कोई चैलेंज है तो बताइए। और अभी मैंने कुछ फोटोज भेजी हैं जो हमारा उत्तराखंड का घर बना रहे थे, तो शायद आपने देखी होंगी ग्रुप में। हाँ, देखा है, पर उतना कुछ मेरे को समझ में, यानी कैसा उसका प्लानिंग है, क्या है, वो कैसे है, वो थोड़ा आइडिया नहीं आया। अगर आपके पास कोई और फोटोज या प्लानिंग है अंदर का, अंदर कैसा है? ऐसे तो सिलिंड्रिकल होम जैसा दिखता है, विद स्टेप्स है हाँ, वगैरह है, मैं दिखाता और हूँ अभी, एक ऊपर मिनट जो रुकिए, पोर्च। यहाँ पे स्क्रीन शेयर करते हैं, आ जाएगा शायद, मेरे ख्याल से देखता हूँ। अभी
अभी देखिए स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखेगा मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो मैं ये कुछ फोटोज खोल देता हूँ तो आपको दिखेगा। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ ये ऊपर से हाँ प्लान है जो आप हाँ बोल रहे थे ना, अरविंद तो को ऊपर पढ़ा। से देखो। जो हम इसमें देख रहे थे, ये जो है ये पीछे वाला साइड है। तो अच्छा पीछे का अच्छा मतलब है यहाँ का साइड है, ये जहाँ पे मैं अभी अपना माउस चला रहा हूँ। तो हाँ इस हाँ साइड से देख रहे हैं उसको, ये जहाँ पे ये खंबा जैसा खड़ा हुआ है, उधर से खड़े होके इधर देख रहे हैं तो वो दिख रहा है। तो ये पूरा राउंड है, राउंड में ये जगह पे रसोई है जहाँ अभी मेरा माउस चल रहा है। यहाँ पे एक शयन कक्ष है। ये जो पूरा जगह है जहाँ अभी मेरा माउस चल रहा है, ये खाली जगह है जिसमें आप खाना वाना खाने के लिए या चल फिर सकते हैं, बैठने के हिसाब से है। ये मेन दरवाजा है, यहाँ से आप अंदर आएंगे, ठीक है। और इधर स्नान गृह है, और फिर ये जो है ये मुख्य शयन कक्ष है। अब समझ में आया, ये प्लान देखने से समझ में आया बिल्डिंग एक्चुअली क्या होगा हाँ ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल प्लान है, और इसमें जो ये काले काले बने हुए हैं, ये हमारी एक्चुअली कुछ प्लानिंग मड़ ब्लॉक का मड़ पार्ट ब्लॉक है। हाँ मतलब वो दीवारें हैं असल में, तो वो दीवारें मार्क की हुई है वहां वहां पे, उस जगह पे पिलर्स या दीवारें रहेंगी, तो वो चीज थी। फिर अपने बाकी फोटोज, ये सामने वाला साइड है, ये जो मैं एंट्रेंस बता रहा था वो ये वाला साइड है। अभी यहाँ से मुख्य दरवाजा ये है, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पे आप आराम से बैठ भी सकते हैं, आराम से शाम वाम को बैठने का मन हो तो। और अभी थोड़ा सा काम बचा है, जैसे आपको ये जो दिख रहे हैं, ये जो टेक बने हुए हैं, एक मिनट मैं देखता हूँ ये बड़ा होगा क्या। बटरेस वॉल जैसा है, ये सपोर्टिंग हाँ वॉल जैसा है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर ये वाली जगह है ना, ये गोल वाला एरिया, इसमें एक हरियाणा की डोम होती है। हरियाणा का एक आर्च जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको रोहतक डोम बोलते हैं, तो वो किया है। और वो डोम का जो प्रेशर है वो चारों तरफ की दीवारों पे आता है, और वो टेढ़ा टेढ़ा प्रेशर आता है, लगभग समझ लीजिए 30 डिग्री के एंगल पे आता है उसका प्रेशर। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये बाहर जो ये जो बने हुए हैं काले काले, ये आपको वो बट्रेसेस ही यहाँ पे मार्क्ड हैं, इसमें जो दिख रहे हैं, एक दो तीन पीछे हैं और तीन आगे हैं ये। वो तो जो डोम आप बता रहे हैं वो ब्रिक का आता है, वो ब्रिक का सर्कुलर डोम बनाते, वही होगा शायद से। हाँ हाँ वही है वही है, वो देखा है मैंने। ये हाँ देखिए ये बस बस दिख बस 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 समझ गया। रहा है। ये पास से आप देख सकते हैं, ईंटें दिख रही हैं इसमें। ये है ना, पर हमने इधर एक जगह पे करवाया था, यानी हमारा सिविल हाँ वर्क था उसमें, तो हाँ वो सर्कुलर जो है वो हमने आरसीसी का बीम भरा था, तब वो टीका था। आपने उधर क्या किया मालूम नहीं। हमने लाइम क्रीट की बीम बनाई है, तो अपना पूरा नेचुरल मटेरियल जो लाइम क्रीट बोलते हैं ना, जैसे कंक्रीट सीमेंट वाले को बोलते हैं, वैसे लाइम क्रीट बोलते हैं जो रेत चूना बेस्ड पूरा मसाला बनाते हैं, उसमें मेथी स्टील और गुड़ होता है, का पानी भी मिलाते हैं। स्टील होता है उसमें।
स्टील की जरूरत नहीं है, स्टील की जगह मतलब सरिया बोल रहे हैं ना आप, तो सरिया की जगह हम उसमें ट्रीट किया हुआ बांस की फाड़ियां यूज करते हैं जिसको हम पूरा गोल घुमा सकते हैं। तो एक एक बीम के अंदर हमने कम से कम 5 से हाँ अराउंड 5 फाड़ियां डाली हैं, वो जगह के हिसाब से, जहां ज्यादा इतनी जगह है मान लीजिए तो इसमें 5 फाड़ियां आ जाएंगी, थोड़ी कम जगह है तो 2 या 3 फाड़ियां आएंगी। तो बीम कहाँ पे बना रहे हैं उसके हिसाब से उसमें डाला है, तो वो सरिये का ही काम करता है। बराबर बराबर। और उसकी बांस की स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है, तो कोई मुश्किल नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अंदर का है उसके, जो मैं बोल रहा था एक छोटा वाला बेडरूम है जो ये वाला है, ये वाला इधर को जो है ये दिख रहा है उस फोटो में, ये वाली फोटो में। और ये थोड़े बहुत उसमें और भी छोटी छोटी कुछ चीजें की हैं, जैसे हमने मधुमक्खी के लिए एक पूरा बॉक्स दीवार में फिक्स कर दिया है, तो उसमें बाहर के साइड से मधुमक्खियां आके अपना पूरा घर और छत्ता सब बनाएंगी, और जब भी उसको साफ वाफ करना हो या उसमें से शहद निकालना हो तो ऐसे पतले पतले फ्रेम्स हैं, आपने शायद मधुमक्खी के बॉक्सेस देखे होंगे, तो वो फ्रेम निकाल के आप आराम से उसको साफ कर सकते हैं, यदि शहद निकालने का मन है तो वो भी निकाल सकते हैं और उसको वापस लगा के रख सकते हैं। तो वो घर की एक दीवार में पीछे बाहर के साइड से वो भी बनाया है। फिर एक चिड़िया का घोंसला है, छोटे छोटे ऐसे अलग अलग जगह पे बनाए हैं, जो अचार की बरनी होती है ना, जिसमें कांच की बरनी जिसमें अचार बनाते हैं, तो उसको दीवार में लगा दिया है। तो जो ओपन वाला साइड है जिधर ढक्कन होता है उसका, उस तरफ से वो बाहर के साइड है, तो उधर से चिड़िया आके अपना घर बना सकती है। ऐसा बहुत जगह पे देखा है कि उसमें चिड़िया आराम से, चिड़िया बनाती या फिर गिलहरी, दोनों में से कोई ना कोई अपना घर बना लेगा, तो वो भी घर के दीवार में डाला है। फिर ये जो प्लास्टर्स आपको रंग दिख रहे हैं इसमें, ये सब के सब पूरा चूना बेस्ड है, और जो कलर्स हैं वो अलग अलग वहां की जो लोकल मिट्टी है से ये वाला रंग आया है जो थोड़ा चॉकलेटी है। फिर उसमें जो सुर्खी आपने सुना होगा, जो लाल वाली ईंट का पाउडर होता है, तो उसको मिलाया है थोड़ा, और थोड़ा एक पीली मिट्टी भी वहां पे मिली थी उसको मिलाया है। तो जितेन जी आप अभी अभी ऐसा लग रहा है शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन गया, तो मैं अभी के लिए रुकता हूँ, वैसे भी अपनी मीटिंग लगभग आधे घंटे के लिए है। और 7:10 पे आधा घंटा हो जाएगा, जो अभी 3 मिनट ही बचे हैं, तो हो सकता है अपन रोक भी सकते हैं मीटिंग को। जय सियाराम जितेन जी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आवाज नहीं आ रही है, शायद कनेक्ट हो रहा होगा। आप आ गए लेकिन आवाज नहीं आ रही है। देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी आपका म्यूट दिखा रहा है मुझे अभी। हाँ अभी आ गया, ठीक है आवाज आ रही है। हाँ हाँ अभी आ गया। Okay. आ गए जितेंद्र जी, तो उस समय अपन क्या बात कर रहे थे। हाँ ये जो कलर्स हैं इसके, एक मिनट अभी स्क्रीन शायद आपका गया होगा, स्क्रीन दिख रहा है कि अभी नहीं दिख रहा है? नहीं वो नहीं दिख रहा है, जब दिखाया था आपने कलर्स प्लास्टर। एक मिनट ये स्क्रीन शेयरिंग का, अच्छा यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि स्क्रीन अभी भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि? वो नहीं दिख रहा है, पर वो तो मैं समझ गया, आप बता रहे थे 2 कलर में है, एक चॉकलेटी ब्राउन और एक दूसरा येलोइश जैसा है,
प्लास्टर का कलर। हाँ तो वहाँ की लोकल मिट्टी के ही रंग हैं जो चूने में मिक्स करके यूज किए हैं, तो एक थोड़ी पीली सी मिट्टी है और एक ब्राउन जैसी मिट्टी है। तो ब्राउन वाली मिट्टी तो उसी साइट पे मिली हमको, और पीली वाली थोड़े आसपास से कहीं से मंगाई थी, तो वो दोनों को थोड़ा अलग अलग रेशो में मिला के थोड़े अलग अलग कलर लिए हैं। और जो सफेद वाला है वो तो आपने देखा कि वो तो डायरेक्ट चूना मिला के जो प्लास्टर बनाया है, जो अंदर दिख रहा है वो पूरा श्वेत रंग का है, तो आप उसमें जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया है वो पूरा सफेद आएगा, तो अच्छा आया, पूरी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है और सब कुछ पूरा वाटर प्रूफ है, तो कोई भी मौसम का कुछ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी छत का काम थोड़ा बचा है, तो आपको उस चित्र में ऊपर कॉलम्स जैसे दिखे होंगे पीछे के साइड में, तो वो जो डोम जो बनाया है वो डोम बिना ढके हुए नहीं रखी जाती, तो उसको कवर करना ही पड़ेगा, तो अभी उसी के लिए वो छत की कॉलम्स बन रहे हैं। नीचे का तो मेन पूरा हो गया है। तो वो जो डोम बनाया है आपने, तो उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग प्लास्टर यानी यही जो आपने किया है वैसा कर दे तो नहीं चले? आप ऊपर क्यों वो बना रहे? हाँ, हमने वो बात किया था, लेकिन जो बनाते हैं डोम उसने हमको कहा कि आप वाटरप्रूफिंग तो कर सकते हैं, कर लीजिए, लेकिन उसको फिर भी आप अभी तो कवर कर ही दीजिए, क्योंकि वो मौसम को झेल नहीं पाएगा। तो अब शायद वो स्ट्रक्चर है वैसा, अब हम तो चाहते हैं कि अब, लेकिन अपना घर नहीं है ना, अब जैसे कि जिस जिस ओनर का है, जिसका भी जो भी उसका मालिक है, उसको हम बोलेंगे अभी ट्राई करो, बाद में कहीं कुछ गिर गया या कुछ नहीं परेशानी, तो फिर वो रिस्क लेने बात की जरूरत नहीं है। और बाद में क्या है कि उसको ना पूरा फ्लैट भरने का भी प्लान कर रहे हैं वो मालिक, मतलब उसके ऊपर भी जो अगला फ्लोर बनाएंगे तो वो ऊपर के साइड से पूरा भर देंगे, ऐसा है। तो अब जब भरने ही वाले हैं तो फिर उतने देर थोड़ा टाइम के लिए वाटर प्रूफिंग करके भी क्या होगा, बराबर बाद में बराबर उसको पूरा भर के, भरने के बाद ऊपर से वाटर प्रूफिंग करेंगे, वो चलेगा, वो काम में आएगा। बराबर बराबर। तो अभी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर छत बना रहे हैं, ताकि अभी अगली बारिश में उसको पानी से उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाद में जब वो भरेंगे तो हो जाए, भर जाएगा पूरा। ठीक है, तो अभी तो अपन रुक जाते हैं जितेंद्र जी, आधे घंटे का ही मैं सोचता हूँ कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग जो भी मीटिंग में आए हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें, और अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ताकि बाकी लोग जो भी जब भी देखना चाहें तो वो लोग भी देख सकते हैं। और अभी क्योंकि मैं घर वापस आया हुआ हूँ, तो अभी तो हम लोग रेगुलर ये वाली मीटिंग कर सकते हैं, जब तक भी असल में बाहर किसी प्रोजेक्ट में जाओ जहाँ नेटवर्क नहीं होता, तो फिर थोड़ा चैलेंज होता है कि अभी मीटिंग कैसे इट इज करेंगे। डिफिकल्ट टू डू। क्योंकि अभी नहीं, उत्तराखंड में अच्छा मैं है, वी ऑलमोस्ट शुड 1.5 महीने से था। ऑल मीट वंस इन ए 15 days। तो क्या सब अलग अलग साइट्स पे है, तो उसका किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या चल रहा है, तो वी कैन और डिस्कस वही वो तो बात, बात है ना, वी कैन परिवार का शेयर वही अवर तो काम फूड। है कि आपका क्या हो रहा है मैं पता कर लूं, मेरा क्या हो रहा है आप पता कर लें, तो एक वो परिवार जो हम कहते हैं ना, अपना पंचभूत परिवार है, तो परिवार इसी तरह से आगे बढ़ेगा मिलजुल के। ठीक है जितेंद्र बढ़िया, जी, तो मैं आपसे मिलता हूँ, आपके जगह का नाम क्या है वडोदरा के, वहां जो आपने नाम बताया था, जाम्बू घोड़ा, रामबू गुड़ा, जाम्बू जाम्बू जे जे जाम्बू जे गुड़ा, जाम्बू गुड़ा। ठीक है, मैं कल्पेश जी से भी बात कर लूंगा, तो अगली बार आता हूँ तो मैं तो पक्का आऊंगा, बाकी और कोई आएगा नहीं मुझे नहीं पता, नहीं, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा तो लगेगा। अब एंड ठीक इट है इज ए जितेंद्र नाइस प्लेस, आपको भी आई थिंक यू विल बी इंटरेस्टेड के भाई, लोकेशन वाइज इट इज वेरी नाइस। अरे वाह, तो फिर आने ही पड़ेगा। हाँ, वो आपने जिस तरह से बताया ना कि आजू बाजू पहाड़ी है और सब, तो वो सुन के भी मुझे अच्छा लग रहा है कि जाना चाहिए ऐसी जगह पे एक बार पक्का।
ठीक है जितेंद्र जी, फिर मिलते हैं अगले बार। मैं जब जब भी होगा मैं संदेश भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक ठीक जय ठीक सिया जय राम सिया जितेंद्र जी, राम, जय सिया राम, मिलते, थैंक यू। धन्यवाद जी।